हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीतास किचन। आज हम बनाएंगे दही बड़े। एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी, मुंह में घुल जाने वाले दही बड़े सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे। और इसके साथ ही हम हरी चटनी और लाल चटनी भी बनाएंगे, जिसे बनाने में मैक्सिमम हमें 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। तो चलिए बनाते हैं। दही बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 1 कप उड़द की दाल को मैंने ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था और ये फूल के साइज़ में डबल हो गए हैं। दाल को मैंने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद ही सोक किया था। तो अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें दाल को डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी के साथ ही मैं डाल रही हूँ। 3 से 4 टेबलस्पून पानी का हम यूज़ करेंगे। आप नहीं पसंद करते हैं तो नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। उड़द दाल का पानी फर्मेंटेशन में मदद करता है, इसलिए मैं हमेशा अपने घर में सोक किया हुआ पानी डालती हूँ। और इसी के साथ हम डालेंगे 1 इंच अदरक को ग्रेट करके, और 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट के ले लिया है। अब हम इनको पीस लेंगे। दाल को मैंने पीस लिया है और इसे पीसने में मुझे 1 टेबलस्पून पानी और लगा था। और ये देखिए, यहाँ पे बैटर बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होगा तब भी चलेगा, हल्का दरदरा बैटर से बड़े बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो अब हम इनको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा स्टील का बर्तन ले लिया है, इसमें हम बैटर को डाल देंगे। थोड़ा बड़ा साइज़ का बर्तन का यूज़ कीजिएगा, जिससे कि हम बैटर को जब फेंटेंगे तो बाहर बैटर नहीं आएगा। और ये देखिए, बैटर हमारा ऐसा होना चाहिए, बहुत आसानी से गिरना नहीं चाहिए। जितना बैटर को पीसने में पानी लगेगा उतना ही आप पानी का यूज़ कीजिएगा, और आगे अगर पानी का ज़रूरत होगी तो हम डालेंगे। अब हम चम्मच को हटा लेंगे। हाथों को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। बैटर को हम हाथों से फेंटेंगे। हाथों से फेंटने से क्या होता है कि हाथों की गर्मी से बैटर फर्मेंट होता है अच्छे से, और कम समय में ही रेडी हो जाता है बैटर। दही वड़ा बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें आपने गलती कर दी तो आपका वड़ा जो है फूलेगा नहीं अच्छे से और चपटे चपटे बनेंगे। एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बैटर थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो मैं 1 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कर रही हूँ, और मिक्स करते हुए हम इसे फेंटेंगे। अभी त्योहारों का समय है, घर पे गेस्ट आते रहते हैं, ऐसे में आपको समय नहीं मिलता है कुछ बनाने का। 1 दिन पहले आप इस दही बड़े को बना के रख सकते हैं, और जब भी मेहमान आ जाए तो आप इसे फटाफट से सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे बैटर को मुझे 7 से 8 मिनट हो गया है, और देख के ही आपको पता चलेगा बैटर कितना था और अभी कितना हो गया है। फूल के ये डबल हो गया है। बैटर कैसे होना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये गिर नहीं रहा है, एकदम फ्लफी हो गया है, जैसे केक की क्रीम होती है वैसे ही हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा निकाल के देखेंगे कि बैटर परफेक्ट है कि नहीं। एक कटोरी में मैंने पानी लिया है और थोड़ा सा हम बैटर को डाल के देखेंगे, तो ये ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब है कि हमारा बैटर एकदम परफेक्ट है। बैटर के हिसाब से इसमें हम नमक डाल देंगे और चम्मच को हटा लेंगे। नमक को भी हम हाथों से ही बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि बैटर में नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आपके पास समय नहीं है तो आप इसके वड़े तुरंत ही बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी, जिससे कि रिजल्ट अच्छा आएगा वड़ों का। तब तक हम क्या करेंगे, फटाफट से हरी चटनी और इमली की चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जितना धनिया पत्ता लिया है, थोड़ा सा पुदीना पत्ता अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है मैंने, और हरी मिर्च भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 इंच अदरक को मैंने इस तरीके से पतला पतला काट के ले लिया है, जिससे कि आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। छोटा वाला जार का यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास धनिया पत्ते इतने ही थे, तो मैं थोड़ी सी ही चटनी बना के आपको दिखा दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से चटनी बना सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 3 से 4 आइस क्यूब के साथ 1 टेबलस्पून पानी लिया है, और आधा नींबू को स्क्वीज़ करके डाल दिया है। आइस क्यूब डालने से चटनी का कलर बहुत अच्छा रहता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया था और चटनी को एकदम बारीक पीस लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। फटाफट से हम इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। तो 1/2 कप इमली का पल्प लेंगे, 1/4 कप चीनी या गुड़ ले सकते हैं आप, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सादा नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 पिंच मैंने फूड कलर का भी इस्तेमाल किया है। फूड कलर डालना ऑप्शनल है, आप पसंद नहीं करते हैं तो मत डालिएगा। 1/2 कप पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने इसमें चीनी डाल दिया था, और चीनी बहुत अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगी तो इसमें हम फूड कलर डाल देंगे, और फूड कलर को 1/2 से 1 मिनट पका लेंगे। अब हम इसमें इमली का पल्प डाल देंगे और मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से, थोड़ा गाढ़ा होने देंगे, और जब थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसमें नमक मिर्च डाल देंगे, और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम में ही रखिएगा। लगातार चलाते हुए मैंने इसे 1 मिनट और पका लिया है, और कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी हो गई है, ये देखिए। और ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। इमली की चटनी को भी हम थोड़ी देर साइड में रखेंगे।
अब हम वड़े को फ्राई करेंगे। तो ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रखा है, थोड़ा अच्छे से ऑयल गरम होगा, मतलब मीडियम गरम ऑयल में हमें इसे डालना है। तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे जिससे कि वड़े डालने में हमें आसानी होगी। जितने बड़े साइज़ के आपको वड़े बनाने हैं उस हिसाब से आप पोर्शन लीजिएगा, और इस तरीके से थोड़ा सा शेप देने की कोशिश करेंगे। और इनको हम डाल देंगे तेल में। आपको गोल गोल वड़े चाहिए तो आप गोल चम्मच से डालिएगा, या तो फिर आप मेंदू वड़ा जैसे बनाते हैं चम्मच को गीला करके ऊपर बैटर को रख के शेप दे दीजिएगा, वैसे भी कर सकते हैं। पहला वड़ा जब डाला था तो अच्छे से बबल्स नहीं आ रहे थे, अभी अच्छे से बबल्स आने लगे हैं, तो हम फटाफट से वड़ों को डाल देंगे। ऐसा ही तेल चाहिए हमें, तभी वड़े जो है फूलेंगे। वड़े को डालते समय मीडियम गरम तेल में आप डालिएगा। जब वड़े को हम डाल रहे हैं तो उसमें बबल्स आने चाहिए, वैसा तेल चाहिए, तभी हमारे वड़े जो है फूलेंगे, नहीं तो ये चपटे चपटे बनेंगे। जब वड़े डाल देंगे और ये थोड़े से फूल जाएंगे तो हम इसको पलट लेंगे, और दूसरी तरफ पे भी ये फूल जाएंगे। तो फ्लेम को लो टू मीडियम में आप सेट करके इनको धीरे धीरे करके फ्राई कीजिएगा, तो वड़े बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। और आप देख सकते हैं वड़े जो है एकदम गोल गप्पे जैसे दिख रहे हैं फूल के। वड़ों को हम अलटते पलटते हुए सभी तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे मुझे 6 से 7 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं वड़े बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे फ्राई करने से ये अंदर तक एकदम अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और कच्चे नहीं रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे वड़े रेडी है, तो हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे और तीसरे बैच के वड़े को भी बना के रेडी कर लेंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा वड़े मत डाल दीजिएगा, नहीं तो एक दूसरे से चिपकने लग जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े करके फ्राई करेंगे। तो ये अच्छे से फ्राई भी होते हैं और फूलते भी हैं। यहाँ पे वड़े थोड़े से ठंडे हो गए हैं, मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर एकदम जालीदार टेक्सचर है इसका। इस वड़े को आप चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या कढ़ी में भी आप इसे डालेंगे तो कढ़ी पकौड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। अब मैंने बोल में गुनगुना पानी ले लिया है, इसमें हम 2 से 3 पिंच हींग डाल देंगे। हींग डालने से पानी का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और उड़द दाल डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाएगी। 3/4 चम्मच जितना मैंने नमक डाल दिया था और बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक एक करके हम वड़े डालेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वड़ा बचा ले रही हूँ, इसे मैं कल यूज़ करूँगी। वड़े को हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से पानी में डिप करेंगे, थोड़ी देर में ये अपने आप ही नीचे चले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक प्लेट से इसको ढकेंगे और इसके ऊपर हल्का सा वजन रखेंगे, बस कटोरी का। 15 से 20 मिनट के बाद हम देखेंगे वड़े अच्छे से फूल गए हैं और इसने बहुत अच्छे से पानी को पी लिया है। ये देखिए मैं आपको स्क्वीज़ करके दिखाती हूँ, तो इसके अंदर तक एकदम पानी घुस गया है। फटाफट से हम इतने वड़ों के लिए दही रेडी कर लेंगे। एक बोल में हम 2 कप दही लेंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए और गाढ़ी दही का हमें इस्तेमाल करना है। ये वाली दही ठंडी भी है, मैंने इसे फ्रिज में रखा था। 1/2 टीस्पून मैंने काला नमक डाला है, आप थोड़ा सा सादा नमक भी डाल सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। इतनी चीनी डालने से दही का टेस्ट अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप नहीं पसंद करते हैं तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दही को बहुत अच्छे से फेंट लिया है और एकदम स्मूथ होना चाहिए दही। चटनी को भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो ये बहुत अच्छे से गाढ़ी भी हो गई है इमली की चटनी। ये देखिए इनको हम साइड में रखते हैं। दही वड़ों पर स्प्रिंकल करने के लिए कुछ सूखे मसाले ले लेंगे, जैसे कि 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून भुना जीरा को मैंने क्रश करके लिया है। हमने सब कुछ तैयार कर लिया है, अब हम फटाफट से दही वड़े को सर्व कर लेंगे। तो वड़े को थोड़ा सा स्क्वीज करके पानी निकाल देंगे हम इसका, और इनको हम इस तरीके से प्लेट में रख देंगे। वड़ों को हल्का हल्का प्रेस करके इसका पानी हमें निचोड़ना है, बहुत ज़्यादा जोर से मत दबाइएगा, नहीं तो वड़े टूट भी सकते हैं। अब हम इसके ऊपर दही डाल देंगे, जितना आपको दही पसंद है उस हिसाब से। जितने वड़े को हमने पानी में डिप किया था उतने वड़ों के लिए इतना दही परफेक्ट रहेगा। मैंने यहाँ पे सर्व करने के लिए 1/2 वड़ा का इस्तेमाल किया है, आधे वड़े को बाद में मैं डिप करूँगी दही में। वड़े को पानी में 10 से 15 मिनट के लिए ही छोड़ना है हमें, ज़्यादा छोड़ेंगे तो ये टूटने लगेंगे। वड़े को आप स्क्वीज करके फ्रिज में भी रख सकते हैं या डायरेक्ट दही में भी डाल के रख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पुदीना वाली चटनी डाल देंगे। पुदीना का टेस्ट दही वड़े में अच्छा आता है, लेकिन आप नहीं पसंद करते हैं तो पुदीना पत्ती को स्किप भी कर सकते हैं चटनी में। धनिया पत्ती की हरी चटनी का शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों है मेरे चैनल में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें इमली की चटनी भी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। इमली की चटनी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
इस इमली की चटनी को आप स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं, महीने भर तक आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी चाट में आप इसे निकाल के सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा काला नमक, थोड़ा भुना जीरा, अपने हिसाब से लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। तो देखा ना आपने, दही बड़ा बनाना बहुत ही आसान है। सेम प्रोसेस को आप फॉलो करके बनाएंगे तो आपके वड़े कभी भी हार्ड नहीं होंगे, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के रेडी होंगे। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पे दही वड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, टेक अ गुड केयर।